सर और कितना वेट करेंगे डॉक्टर आयुष्मान का? भाई मेरे ख्याल है 4 बजे तक तो वेट करना ही पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि आयुष आ जाएंगे? आई एम श्योर डॉक्टर कुलकर्णी, आयुष्मान जरूर आएगा। और अगर वो नहीं आए तो? लीजिए, आ गया। I'm sorry, आप लोगों को मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर आयुष, अब तुम्हारा वोट ही ये डिसाइड करेगा कि वरदान का नया सीईओ कौन बने, डॉक्टर मयंक या डॉक्टर कुलकर्णी। मेरा वोट डॉक्टर मयंक के साथ। That means Mayank wins. Gentlemen, give a big hand to Dr. Mayank. Thank you. Thanks, Mom. Congratulations, Mayank. Thanks, Ayush. Thanks for the vote. तुमने मुझे वोट दिया, अब तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाए। पता तो यही बताया था। काफी दिनों से बंद है, चलो अंदर चल के देखते हैं। आयो तुम वहां चेक करो, मैं यहां देखता हूं। ओके। यहां तो कोई नहीं है। यहां भी कोई नहीं है, लगता है मयंक ने बोधी को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया होगा। बाहर देखते हैं। ए, 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 कौन हो तुम लोग? यहां अंदर कैसे घुस आए? तम्मी से बात करो। ए, ज्यादा होशियारी नहीं, नहीं तो हम तो मरबे कर पुलिस वालों से। और मरबाऊ सुनो मेरी बात, इस लड़की को देखा तुमने कहीं? हमें पता चला है कि यहीं छुपा है और इसके साथ एक लड़की भी है। पुलिस वाले हो का? नहीं, ये मेरा भाई है और मैं इसे पुलिस के हवाले करना चाहता हूं। ये नाम भी मैंने रखा है। साहब यहां कौनो नहीं रहे, बस हम ही रही थे आउट हाउस। अब साल में एक बार मेम साहब और साहब जरूर आवत है। अब ये पोस्टर हम रख लेते, उन्हों खबर लगी तो हम अपना का बताई थे। इनाम मिली ना? हाँ हाँ मिलेगा। ठीक है साहब, लगता है मयंक ने धोखा दिया है।
आखिर मैं अपनी मंजिल तक पहुंची। इतने साल तक जिसका इंतजार था वो वक्त आ गया। मैं वरदान का सीईओ बन गया। ये कुर्सी मेरी, आई एम द किंग। तुमने मुझे धोखा दिया मालिक। हाँ दिया, धोखा दिया मैंने। थैंक्स, तुमने मेरा साथ दिया। मुझे वोट नहीं देते तो शायद मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठ पाता। तुमने मेरा साथ देकर यह साबित कर दिया है कि वरदान में सीईओ बनने के काबिल सिर्फ डॉक्टर मायन का। क्यों किया तुमने ये सब? बोधी का साथ देके तुम्हें क्या मिला मैं? क्या मिला मुझे? मुझे क्या मिला ये? तो फिर तुमने हमें गलत पता क्यों बताया? नहीं, मैंने तुम्हें गलत पता नहीं दिया है, बल्कि तुम्हारी गलत फहमी का फायदा उठाया। तुम्हें लगा कि मैं जानता हूं कि मुझे, और मुझे लगा कि तुमसे सौदा करके मुझे फायदा होगा, और हुआ, मुझे ये कुर्सी मिल गई। एंड एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। इस कुर्सी से मुझे प्यार है, और आयुष्मान जायसवाल से जंग। मायक, मुझे सच सच बता दो बोधी कहाँ है, वरना मैं बाहर सबके सामने तुम्हारी बोल खोल दूंगा। स्टॉप इट आयुष्मान, बच्चों की तरह बिहेव करना बंद कर। कौन मानेगा तुम्हारी बात पर? एंड डोंट फॉरगेट, वरदान का सीईओ हूं मैं। यूं निकाल फेंकूंगा तुम्हें, यूं। तो तुम्हारी भलाई इसमें है कि तुम इसी वक्त यहां से बाहर चले जाओ, और जाकर देखो बोधी तुम्हारा भाई या सोनिया के साथ क्या कर रहा है। मैं तुम्हें नहीं। रिलैक्स गाइस। अब भगवान तो फिर से गलत आदमी का साथ दे रहा है, तो एक दोषी का साथ दे रहा है जो बार बार बेचारी सोनिया के साथ ज्यादती कर रहा है। अरे डॉक्टर साहब कहाँ गए? जी वो 95 में तो पब्लिश हुई थी। इसलिए अगर तुम ताने को नहीं मारते तो मेरा आदमी ताने को मार देता। मैंने अपने नाजायज बेटे को अपनाया, क्यों मुझे कोई अनाथ आश्रम खोलने का शौक नहीं है? मैंने दालमिया की हर हाँ में हाँ मिलाई क्योंकि मुझे वरदान चाहिए, और इसी वरदान को हासिल करने के लिए मैंने राजन का भी खून किया, सबको हटाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा भाई बार बार मेरे रास्ते में आता। आयुष्मान मोदी, आयुष्मान तुम्हारा भी दुश्मन है और भी इसे तो रास्ते से हटाना ही होगा किसी भी। आयुष क्या हुआ बताओ तो सही, क्या हुआ बेटा? ठीक है, रो लो। रोने के लिए तुम्हें मना नहीं करूंगी आयुष। याद है पहले भी मैंने कहा था, हमेशा सच की जीत होती है। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं ये सब, मानता आ रहा हूं ये सब, लेकिन पता नहीं क्यों आज इस सब से विश्वास उठ गया है मेरा। कभी कभी लगता है आयुष कि झूठ सच को निकल जाएगा, लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो जाते ना, तब सच अपना रास्ता बनाकर सामने आ ही जाता है। कब
सच कब सामने आता है मां? अब कुछ नहीं हो सकता, कोई ये भी नहीं जानता कि मोदी है कहां। सुमित, अच्छा लग रहा है ना तुम्हें? कैसे गगन के तले हम भी ना हो आंसू। अच्छा लग रहा है ना सोनी? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहता हूँ, सिर्फ प्यार। हाँ, है कि नहीं? हम दोनों का एक छोटा सा घर होगा जिसमें हम सिर्फ दोनों ही रहेंगे। बच्चे नहीं, बच्चे नहीं रहेंगे, मुझे पसंद नहीं बच्चे। फिर तुम खाना बनाओगी, फिर मैं ऑफिस से थक हार कर घर आऊंगा, घर पे आके तुम मेरे लिए एक ग्लास पानी का लाओगी, ठंडे ठंडे पानी का ग्लास। फिर थोड़ी देर बाद तुम मेरे लिए कॉफी लेके आओगी। हाँ, लेकिन कॉफी तो मैं पीता ही नहीं हूँ, कॉफी अच्छी नहीं लगती है मुझे, है कि नहीं? मैं क्या पीता हूँ? दूध, दूध। तुम मेरे लिए दूध लेके आओगी, दूध गर्मा गर्म। फिर तुम मेरे लिए खाना बनाओगी, बनाती रहोगी खाना मेरे लिए, जिंदगी भर खाना बनाती रहोगी। हाँ, खाना बनाते बनाते तुम थक जाओगी। ये क्या? जला दिया पूरा खाना? पूरा खाना? चला क्यों दिया खाना? तुम्हारे घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं है? कुछ नहीं सिखाया? कुछ नहीं सिखाया? बोली मैं, क्या हुआ? मैं कुछ बोली, मैं कुछ समझी नहीं पूरी। मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था तुम्हें डांटने की। देखो, बाद में तो हमारे झगड़े होते ही रहेंगे, कभी तुम डांटोगी, कभी मैं डांटूंगा तुम्हें, है कि नहीं? हमेशा होते रहेंगे ये झगड़े। क्या हुआ, कहाँ दिख रही हो तुम? क्या कहा मैंने तुमसे बताओ कान में। तुमने कहा क्या? मैं तुमने कहा कि मैं कुछ नहीं सुना, तुमने कुछ भी नहीं। पागल हूं ना मैं, पागल जो इतनी देर से बड़बड़ कर रहा हूं, पागल हूं मैं। गॉड, क्या करूं मैं तुम्हारा? हाँ, क्या करूं? एक माह के लिए दुख की बात और क्या होगी कि जिसे उसने 9 महीने अपनी कोख में रखा जिंदगी देने के लिए, वही दूसरों की जिंदगी लेता फिर रहा है। मैंने हमेशा जो कुछ भी किया आज तक भूदी के लिए किया, उसे खुश रखने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वो दूसरों को परेशान कर रहा है। किस पर रोऊं आयुष, अपनी किस्मत पर या बोधी की किस्मत पर? रोकर भी कभी लगता है कोई फायदा ही नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि जब उसने तानी को मारा तब वो पागलपन था या क्या क्या। मैं अपने बेटे को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उसने जो किया है ना, उसके लिए उसे सजा मिलनी चाहिए उसे सजा। माँ, सजा तो उसे तब मिलेगी ना जब उसे कोई ढूंढ पाएगा। सारी कोशिशें करनी लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। समझ नहीं आ रहा कि बोधी आके सोनिया से चाहता क्या है। क्या सोच रही है? किसके बारे में? आर्यन के बारे में या आयुष के बारे में? देखो, यहाँ पे कोई नहीं आने वाला, कोई भी नहीं आने वाला। देखो, अब मैं और तुम बस दो ही है। देखो, तुम्हारा पास भी मैं ही हूं, तुम्हारा फ्यूचर भी मैं हूं, कुछ मैं ही हूं।
एक बार मुस्कुराओ ना, कितना प्यार करता हूं मैं तुमसे। प्लीज मुस्कुरा दो ना मेरे लिए। कितना वक्त हो गया तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा देखकर, एक बार मुस्कुरा दो। देखो तुम मेरी बात मानती हो तो कितनी अच्छी लगती हो, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। प्लीज मेरी बात मान, हमेशा हमेशा के लिए। तो मैं क्या कह रहा था, अपना एक घर होगा, उसमें हम दोनों ही उसमें रहेंगे पक्का। हे भगवान मुझे बचा लो। पापा क्या बात है, अब तक आप तैयार नहीं हुए कॉन्फ्रेंस के लिए, चलिए। पापा आप चाहते थे ना कि मयंक सबकी पसंद से चेयरमैन बने, देखिए मयंक ने आज प्रूव कर दिया है कि सब उसे उतना ही पसंद करते हैं जितना आप। पापा क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ बेटा तबीयत ठीक है मेरी, इनफैक्ट मैं तो बताना चाहता था कि तुम लोग चलो मैं आता हूँ। You sure ना पापा? Yeah. Okay. See you soon. ये मयंक तो वरदान को अभिशाप बना देगा। कौन है जो मेरी मदद कर सकता है ये सब रोकने में? हेलो, देखो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम इस वक्त फौरन यहां चले आओ। अब मैं डॉक्टर मयंक से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहां आके दो शब्द कहे। डॉक्टर मयंक मैंने डॉक्टर मयंक से दो शब्द कहने को कहा था लेकिन उन्होंने एक शब्द में ही सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन आज आप चुप नहीं रह सकते, आज आपको कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे रिपोर्टर्स यहाँ आए हैं आपसे कुछ सवाल करने के लिए। प्लीज देखिए मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूं नहीं कि मैं भाषण दे पाऊं, लेकिन हाँ आपके अगर कोई सवाल है तो उसके जवाब जरूर दूंगा। प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। तो कैसा लग रहा है डॉक्टर मयंक? वेल ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है क्योंकि वरदान का सीईओ बन चुका हूं, लेकिन एक जिम्मेदारी का एहसास भी हो रहा है। आप वरदान में क्या चेंजेस लाना चाहते हैं? जी नहीं मैं चेंजेस नहीं, मैं इम्प्रूवमेंट लाना चाहता हूँ और उसके लिए कुछ प्लान्स हैं, इस पर अमल किया जाएगा। तो आपके क्या प्लान्स हैं? प्लान्स तो बहुत सारे हैं लेकिन डॉक्टर मयंक ने अपने सारे प्लान्स रिकॉर्ड करे। वो क्या है कि इनके प्लान्स ही इतने सारे थे कि आसानी से याद नहीं रख सकते थे, तो इन्होंने उन्हें रिकॉर्ड कर लिया। आयुष ये क्या है आयुष्मान? डॉक्टर मयंक आप ही के प्लान्स, आप ही को सुना रहा हूं। ये क्या मजाक है आयुष्मान? मजाक नहीं, आपने कहा था ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, सो एंजॉय। सोनिया को हासिल करने के लिए जितना नहीं किया होगा उतना मैंने वरदान को हासिल करने के लिए किया क्योंकि मैं वरदान को बहुत पहले से चाहता हूं। मैंने सुनैना से शादी, मैंने आयुष्मान को किडनी स्कैम में फंसाने की कोशिश की लेकिन ताने को बहुत समझदार रहा, इसलिए अगर तुम ताने को नहीं मानते तो फिर आपकी ताने को मार देता। मैंने दालमिया की हर हां में हां मिलाई क्योंकि मुझे वरदान चाहिए और इसी वरदान को हासिल करने के लिए मैंने राजन का भी खून किया, सबको हटाने की कोशिश की लेकिन तुम्हारा भाई बार बार मेरे रास्ते में आता था आयुष्मान। ये सब क्या क्या बकवास है ये सब? पापा पता नहीं है वो क्या बजा रहे। Thank you.